तस्वीरें दिल्ली के खेड़ा खुर्द स्थित श्री मध्यानंद आर्य गुरुकुल की हैं, जहां गुरुकुल के ये होनहार छात्र सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। मौका गुरुकुल के 78वें वार्षिकोत्सव का है, जिसे हवन और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। इस गुरुकुल की स्थापना आज से तकरीबन 78 साल पहले सन 1945 में की गई थी। इसके लिए गांव के जमींदार भर्तृजी ने 12 बीघा जमीन दान की थी। इस गुरुकुल की स्थापना 1945 में इसी गांव के एक धर्मात्मा पुरुष थे, चौधरी भर्तृहरि जी। उन्होंने अपना 12 बीघा जमीन दान दे करके 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। और उन्हीं के पोते चौधरी जयप्रकाश जी बड़े लंबे काल तक इसकी सेवा दी, और वर्तमान समय में लगभग 13-14 साल से उनके छोटे भाई यानी भर्तृहरि जी के छोटे पोते चौधरी ब्रह्म प्रकाश मान जी इसके प्रधान हैं। उनके नेतृत्व में गुरुकुल चल रहा है। इस समय गुरुकुल भर्तृजी के पोत्र ब्रह्म प्रकाश मान की देखरेख में चल रहा है, जिसमें 130 छात्र सनातन संस्कृति की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके लिए गुरुकुल में 7 शिक्षकों की व्यवस्था भी की गई है, जो गरीब और इच्छुक छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा, भोजन और रहने की व्यवस्था देते हैं। इस समय गुरुकुल में 110 बच्चे हैं और 200 गायें हैं। सभी बच्चे निर्धन परिवारों से हैं, कुछ अनाथ हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके पिता नहीं, कुछ की माँ नहीं, किसी के दोनों हैं, लेकिन फिर भी सब गरीब बच्चे हैं। और पूरे उत्तर भारत से बच्चे आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और इन बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भोजन, दूध, पुस्तक, वस्त्र, इलाज और स्टेशनरी का सामान यानी कि सारा का सारा खर्चा निःशुल्क है, और यह सब जनता के सहयोग से, दानियों के सहयोग से चलता है। आपको बता दें कि गुरुकुल के ही एक हिस्से में गौशाला है, जिसमें 200 के करीब गायें हैं। इनमें कुछ दुधारू हैं तो कुछ नहीं। 10 गायें तो अंधी है, जिनकी सेवा के लिए गुरुकुल में स्टाफ रखा गया है। सबसे खास बात यह है कि गुरुकुल को किसी तरह की सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिलती है, बल्कि दान से मिले पैसों से ही सभी खर्च उठाया जाता है। इस बार आयोजित वार्षिकोत्सव में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, स्थानीय निगम पार्षद, योगेश राणा, पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए।